हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। आप आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल जेएनवी नोट्स पे। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जूलॉजी में जो सबसे फर्स्ट जो पेपर है हमारा, फर्स्ट बुक एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन, हम उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा खंडी भवन। चलिए देखते हैं क्या होता है खंडी भवन। किसी प्राणी के शरीर को खंडों में विभक्त होना खंडी भवन कहलाता है। मतलब कि कोई प्राणी है और वो कितने खंडों में बटा हुआ है, उसको हम खंडी भवन कहते हैं। सो प्राणियों में जो खंडी भवन है वो समखंडन दो प्रकार का पाया जाता है, सतही समखंडन और आंतरांगी समखंडन। सो सबसे फर्स्ट है हमारा सतही समखंडन। इसका उद्गम स्थान एक्टोडर्म है, और अर्थात यह केवल देह भित्ति तक ही सीमित होता है। ये सिर्फ देह भित्ति तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट है इसमें शरीर की बाहरी क्यूटिकल एवं देह भित्ति छल्ले के रूप में अनुप्रेरण दबावों द्वारा बटी होती है। यह शरीर को मोड़ने, घुमाने एवं अंतः सर्पी करने में सहायक होता है। और इसके एग्जाम्पल है समखंडन, एसिलोमेटा एंड सुडोजिलोमेट। नेक्स्ट है आंतरांगी खंडी भवन, आंतरांगीय समखंडन। यह समखंडन से महत्वपूर्ण है, ये सतही समखंडन से महत्वपूर्ण होता है। इसका उद्गम स्थान मीसोडर्म है, तथा मीसोडर्म एवं एक्टोडर्म से रचित प्राय भागों को प्रभावित करता है। इनमें आदर्श रूप से पूरे शरीर खंडों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। प्रत्येक खंड पेरिटोनियम से घिरा होता है। इसके भीतरी अंग वहीं उपस्थित होते हैं जो अगले एवं पिछले खंडों में उपस्थित होते हैं। अतः यह खंड शरीर के सतह अतिरिक्त आंतरिक भी होते हैं। ये सतह के साथ साथ अंदर की साइड तक होते हैं, और इस प्रकार के समखंडन आंतरांगीय समखंडन कहलाते हैं। प्रत्येक देह खंड विखंड अर्थात समखंड कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है एनिलीडा, ऑर्थोपोडा एंड कशेरुकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।